बुथ सौ दिनी साल हुआ बिजिक्रमा से मानी साल नई सिंटर संसद नई लेफ्ट साइड से दीजिए सर जी पाटो त्रिपुरा का उन्नति का सोचो जो विजनरी था जिसने आज से 100 साल पहले सबके लिए सोचा वही है मैसेज वन मस्ट थिंक यूनाइटेडली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ द यूथ थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू बिकम इम्पोर्टेंट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो And I think there was only one Mahadevi Vikram who was born in rare times. The whole family, in fact, I should say it, but right from Mahadevi Chandra's time, they have all been there as great democrats. Ravi Thakur, of course, was first discovered by Vir Chandra Maharaj, then Radha Kishore's friend, then Virendra Kishore Manikya, then Vir Vikram, to give him the title of Bharat Bhaskar, the first recognition in the country. Helping out the famine, helping out people, thought for both the tribals and the non-tribals, for the Adivasis and the refugees who came, and the local, our people. So that is true democracy. Everybody lived together happily. One happy family. मैडम आज से नहीं मैडम मैडम आज से तीन साल पहले महाराज का बर्थडे त्रिपुरा में नहीं मनाया जाता था तो अभी जो नया गवर्नमेंट आया है यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है जिसने अच्छा काम किया कभी भी किया देर हो मगर दुरुस्त आए आप लोग हम लोग करते हैं बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सोशल वर्कर्स थे राजा राम मोहन वगैरह सभी थे अब जब आप लोग ने इसमें जागृति आई तो करना बहुत अच्छा है इसमें मीडिया का या पब्लिक को कुछ कहने की बात नहीं होनी चाहिए बहुत सिंपल बात है सच्ची बात है सत्यता सबसे बड़ी चीज़ है इसको हमने मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कोई भी पार्टी का आदमी हो कोई भी आदमी हो अच्छा काम करता है उसको उसका लिए उसको तारीफ देना चाहिए मैं यहाँ से दशरथ कामी से खुमलुम के बाद अगरतला में स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम उसके बाद जमथुम के बाद किला के बाद टकर चला जा रहा हूँ अभी यहाँ है अब अगर जिस लोगों को महाजा के नाम को कुछ करना है तो मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कीजिए मैं अकेला 5-6 जगह में जा रहा हूँ मैं अकेला आज जो स्टैचू भी लग रहा है खुमलुम में मैंने गवर्नमेंट का रुपया एक भी नहीं लिया है अपने पॉकेट से मैंने ये स्टैचू इंस्टॉल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पब्लिक का पैसा है वो स्टैचू में जाए तो मैं ये सब कर रहा हूँ अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ICA डिपार्टमेंट क्या कर रहा है रविंद्र भवन में उसमें आपको भी बुलाया होगा और खुमलुम में भी तो ऐसा ही होना चाहिए या फिर और भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए देखिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगता है कि महाजा वीर विक्रम के नाम पे स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप फंड होना चाहिए क्योंकि अगर महाजा वीर विक्रम का एक सपना था तो आधुनिक त्रिपुरा का सपना था इसमें महाजा वीर विक्रम ने शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था अगर महाजा वीर विक्रम के नाम में एक स्कॉलरशिप हो जहाँ में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प होगा मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी लाइन में मैं भी कुछ करने के लिए सोचूँ आज महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी बहुत कुछ कर रहा है महाराजा वीर विक्रम के नाम से और आज आप यहाँ आए हैं तो मैसेज क्या होगा मैसेज हर साल का एक ही मैसेज है वो मेरे ग्रैंडफादर थे लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसने एक त्रिपुरा का सपना देखा था आज जो मैं कर रहा हूँ जो अपने त्रिपुरा से कर रहा हूँ
वो उसी का सपना को आगे ले जाने के लिए, हमारे त्रिप्रसा को सुरक्षित करने के लिए, फ्यूचर के लिए एक होकर खालसा होकर आगे बढ़ने के लिए, यही मेरा एक मैसेज। और सब लोगों की मांग ये है कि यहाँ में महाराजा बीर बिक्रम का मूर्ति बनाया जाए, तो आपका क्या मानना है? मेरा डिमांड सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, वहाँ में महाराजा बीर बिक्रम को आज के त्रिपुरा से ज़्यादा सम्मान।